एक्सयूवी 300 का सैकड़ों वेरिएंट, अलग अलग उसकी अहमियत है, पर मुझे पर्सनली ये वेरिएंट क्यों अच्छा लगा मैं अपने पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल ये जो वेरिएंट है एकदम मिड प्रॉपर और सटीक इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सनरूफ प्रोवाइड कराया गया है। अब छोटी मोटी बारीकियों को एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर DRL का सेटअप मिल जाएगा जिसमें इंडिकेटर का इनपुट इतना अच्छा है कि स्टार्टिंग से लेकर मिड तक ये DRL फॉर्म पे चलता है और लास्ट वाला इंडिकेटर फॉर्म। ये ऑफकोर्स हाई प्रोजेक्शन के साथ येलो है, बट फिर भी आप कपलर टू कपलर व्हाइट लगवा लीजिएगा तो ये काफी ज्यादा टॉप मॉडल का फील देगा। सबसे पहली बात, मुझे ये जो चीज अटक रहा है ये व्हील कैप इस कलर पे, तो बेफिक्र होकर तुरंत ब्लैक करवा लीजिएगा तो पूरा कलर कॉम्बिनेशन एक सटीक बन जाएगा। ऑफ कोर्स एक इंसान ने करवाया है जिसका वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो फायदा ये हो जाता है कि पूरी गाड़ी जो है वो ब्लैक फॉर्म पे, ये जो थोड़ा सा खटक रहा है ना ये अब पूरा ब्लैक हो जाता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स बॉडी कलर पे ही आपको मिरर्स के इनपुट और ऊपर के कवर मिल जाएंगे। सामने जो देख रहे हैं ना पियानो ब्लैक का थोड़ा सा जलवा बिखेरते हुए, क्रोम टच का इनपुट यहाँ पर है। नीचे बम्फर पे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, बट लोअर पॉइंट जैसे आप मैनेज कर रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वरिश टच है जो तुरंत पास से नहीं दिखता है, पर दूर से जब गाड़ी चलेगी तो वो सटीक दिखेगा। पीछे भी इसका बेस्ट पार्ट है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल ये भी ब्लैक कलर के थार भाई साहब खड़े हुए हैं, और जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर कुछ इस प्रकार के मैचिंग टोन के साथ व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन को रखा गया है, जिसमें जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक में है। तो जैसे पियानो ब्लैक कभी भी इनपुट रहता है तो दिमाग में ये रहता है कि कितना वो खूबसूरत है, तो हल्का सा ये आपको कवरिंग के साथ मिल जाता है, विच इज द बेस्ट पार्ट, जो कि डॉटेड है। बट एक दुख ये है कि इसमें व्हाइट कलर के नीचे का पार्ट दिए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा होगा, क्योंकि हल्का सा देखिए मेरा उंगली पे हल्का सा भी सिर्फ डस्ट है, वही मैं ऊपर पोछ रहा था तो प्रॉब्लम पड़ेगा, तो ये आने वाले समय में दिक्कत जाएगा। जितने भी लेने वाले हैं ये जरूर दिमाग में रखिएगा। और राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेम एज इट इज आपको इनपुट मिल जाता है, जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश इस वेरियंट पे नहीं मिलता है। और ये वेरियंट कौन सा है, MX3 का डीजल वेरियंट मैनुअल ट्रांसमिशन, मैं फिलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा कुछ हैंड ब्रेक चीजें रखने के लिए और ग्लव बॉक्स, ये रहा। इसके अलावा सीट कैसा है अगर आप पूछेंगे तो सीट की कुशनिंग काफी ज्यादा डिसेंट और सफिशिएंट मुझे ऐसी लगी। और बेस्ट पार्ट इस वेरिएंट का ये है कि इसमें आपको सनरूफ प्रोवाइड कराए गए हैं, विच इज अ गुड। हाँ, उतना ज्यादा जाइगेंटिक नहीं है, तो अगर आपकी अभी तुरंत न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे कच्चे छोटे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अदरवाइज अगर आप इसके ऊपर वेरिएंट जाते हैं तो ऑफ कोर्स इसका जो बेस्ट पार्ट है USB कह सकते हैं, जो एक पैनोरामिक सनरूफ है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं पीछे जाऊं तो एक बार मैं स्पेस से भी आपको वाकिफ करवा देता हूं, तो लेग स्पेस कितना है, तो मैं सीट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हूं और आगे बढ़ाने के बाद लगभग इतना मुझे लेग स्पेस मिल रहा है, और वहीं पर जैसे यहां पर ये छोटा है तो ये थोड़ा सा पैर अटकता है, तो सफिशियंट मेरे जैसे 5'10" के लिए भी ये सफिशियंट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, और तीन लोग के बैठने के लिए भी ये एक ठीक ठाक वाकिफ है। पीछे एक दुख की बात ये हो जाती है कि इसमें आपको जॉइनिंग बैक लाइट नहीं दिया हुआ है, देना चाहिए था बट फिर भी नहीं दिया हुआ है। कोई उतनी ज्यादा दुख की बात नहीं है, कीमत इतनी परफेक्ट है कि आप हर मामले में इसे बेस्ट समझ सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो मैं बता रहा था ना कि बम्फर का बैक पार्ट का जो निचला भाग है इसके कारण ये काफी ज्यादा स्पोर्टियर फील आ रहा है, और ये रिफ्लेक्शन के साथ और सटीक लगेगा, जो कि इस व्हीकल का बेस्ट पार्ट है। और छोटी मोटी बारीकियों से लेकर मुझे सटीक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये गाड़ी एक इफेक्टिव हो सकता है।